हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में यहाँ पर मैं आप सबको सीजन 20 के टॉप 3 डेक्स के बारे में बताऊंगा। तो जो सीजन 20 है, यहाँ पर लिटरली कोई भी कार्ड के ऊपर बैलेंस चेंजेस नहीं हुआ है। यानी कि इस सीजन में आप लिटरली कोई भी डेक यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया हॉग साइकिल, लॉग बेट, लावा लून, पेकअप ब्रिज स्पैम। मतलब ये जो हमारा सीजन है, आप इसमें आप जो पहले डेक यूज कर रहे थे, आप वही सेम डेक यूज कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में यहाँ पर मैं आप सबको जो डेक्स बताऊंगा, ये बेसिकली कुछ नए डेक होने वाले हैं जो कि आपको सीजन 20 में जरूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे मैक्सिमम डेक्स है, ये बेसिकली डबल विन कंडीशन होने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो पहला डेक है, इसमें हमारे पास टोटल 2 विन कंडीशन कार्ड है, बैलून एंड रैम राइडर। एंड इन दोनों कार्ड को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है यहाँ पर लंबर जैक, एंड प्लस हमारे पास डिफेंस में है यहाँ पर मस्किटियर, एंड हमारे पास यहाँ पर कुछ साइकिल कार्ड्स भी है, जैसे कि यहाँ पर हो गया आइस स्पिरिट, आइस गोलम एंड जाइंट स्नोबॉल। प्लस हमारे पास इस डेक में एक बिग स्पेल है, एंड वो है यहाँ पर फायरबॉल। तो अगर आप लोग चाहते हैं, देन जो फायरबॉल है इसको हटा के आप यहाँ पर लॉग नहीं तो बैट्स भी ले सकती हैं। ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर सीधा चलते हैं बैटल में एंड देखते हैं ये जो डेक है ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मेरे जो कुछ कार्ड्स हैं इनके लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए इस डेक को मैं लैडर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम टूर्नामेंट ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपना बैटल। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है हमारा बैटल। देखते हैं जो हमारा अपोनेंट है ये कौन सा डेक यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे को क्यों लग रहा है ये बंदा कोई साइकिल डेक यहाँ पर यूज़ कर रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में इसने आइस स्पिरिट यूज़ किया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो आइस गोलम है इसको बेसिकली अपने कंबाइन कर सकते हैं रैम राइडर के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं रैम राइडर कैसा काम करती है। इसके पास टेस्ला है, यानी कि अपने को एक टाइप से डिसएडवांटेज भी है एंड एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है, मतलब अपने अपने मतलब जो भी लून यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब स्नोबॉल रेडी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर बैट्स वैट्स हुआ तो लफड़ा हो सकता है यहाँ पर। ओके भाई, बंदे के पास से एक्सबो, भाई एक्सबो है इसके पास। जल्दी से यहाँ पर साइकिल करना पड़ेगा अपने को रैम राइडर, अदरवाइज लफड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो रैम राइडर आई थिंक, ओ भाई आइस स्पिरिट, ओ अब लफड़ा हो गया भाई, अब लफड़ा 100%। अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज आ चुका है एक्सबो का मेरा राइट वाला टावर पे। चलो कोई नहीं यहाँ पर, बट ज़्यादा डैमेज आया है, बट उतना चलता है अपने लिए, बिकॉज इतने HP को तो अभी मैं इजीली डिफेंड कर सकता हूँ। तो अपने इस बार अभी लंबर जैक एंड लून का कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं। बट ये टेस्ट यार, इसने बड़ी जल्दी साइकिल कर लिया यार, एक बात तो बोलना पड़ेगा बंदे को। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से कि जो मस्किटियर है ये मैंने थोड़ा पीछे की तरफ डाल दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ये अभी जो लॉग की मदद से जो राइट वाला टावर है इसे काफ़ी ईजिली उड़ा देगा। जैसा मैंने बोला था, ये लॉग की मदद से जो मेरा राइट वाला टावर है इसे काफ़ी ईजिली उड़ा देगा, एंड इसने ऐसा ही किया। यहाँ पर अपना रैम राइडर को सेंटर में डालेंगे तो दोनों टावर का डैमेज आएगा, प्लस टेस्ला भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। चलो कोई नहीं, यह डाल ही देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका गया काम तमाम हो चुका है। चलो अब यहाँ पर लून को सेंटर में डालेंगे, अपने आइस स्पिरिट डाल देते हैं यहाँ पर। ओके आइस स्पिरिट नहीं, आइस गोलम डाल देते हैं यहाँ पर। लून का ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिला है अपने को, चलो कोई नहीं उतना चलता है अपने लिए अभी। अगेन रैम राइडर, आइस स्पिरिट डाल देती है इस पॉइंट पे। यार आइस स्पिरिट को जंप करना चाहिए था यार, इसने जंप ही नहीं किया यहाँ पर। मेरे को लगा था आइस स्पिरिट यहाँ पर रिवर जंप करके जाएगी, बट लिटरली वैसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। एक काम करती हैं, इस बार जो लून है इसको सेंटर की जगह यहाँ पर यूज करते हैं, एंड यहाँ पर डाल देते हैं आइस गोलम। ओके बंदे ने लून का यूज किया, आई थिंक एक हिट मिल जाएगा, एंड अपने को मिल चुका है एक हिट, क्या बात है। तो यहाँ पर अपने को फिलहाल के लिए एडवांटेजेस तो मिल रहे हैं, वो भी अच्छे खासे एडवांटेज मिल रहे हैं। यहाँ पर डाल देता हूँ अगेन आइस गोलम, क्योंकि अगर ये टेस्ला डालेगा तो इसको प्रॉब्लम होगा अभी यहाँ पर। जल्दी से फायरबॉल को साइकिल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो आर्चर से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। एंड आजा भाई, आजा रैम राइडर, आजा भाई रैम राइडर को आने में लेट हो गया यहाँ पर।
डाल देते हैं ये तो रैम राइडर आई थिंक एक्सबो को उड़ा देगी, अच्छी बात है फिलहाल के लिए। अगेन सेम स्ट्रेटेजी अपने यूज करेंगे, यहां पर सेंटर में डाल देते हैं आइस गोलम एंड यहां पर लंबर जैक कनेक्ट हो चुका है। आई थिंक इसका जो राइट वाला टावर है ये ऑलमोस्ट बस जाने ही वाला है एंड ये जो बैटल है अपने काफी इजीली वॉन कर गए। गुड गेम, क्या बात है। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था जो एक्सबो है ये मतलब मेरी पूरी तरह से वॉट लगा देगा, बट इन दी एंड अपने काफी इजीली जीत गए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे डेक की तरफ एंड ये है हमारा आज का दूसरा डेक। इस डेक का मैंने नाम रखा है डबल डेक। तो यहाँ पर ये जो नाम है डबल डेक ये काफी इंटरेस्टिंग नेम है। तो यहाँ पर इस डेक का नाम मैंने डबल डेक इसलिए रखा है बिकॉज इस डेक में हर चीज डबल है। जैसे कि इस डेक में हमारे पास डबल प्रिंस है, डबल विन कंडीशन है, डबल स्पेल है, प्लस यहाँ पर डबल एयर काउंटर्स भी है, इसलिए मैंने इस डेक का नाम रखा है डबल डेक, जो कि काफी अच्छा नाम भी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकती हैं इसमें हमारे पास टोटल हर चीज डबल है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एंड ये जो डेक है ये काफी शानदार है एंड इस डेक को आपको सीजन 20 में तो एक बार यूज करना ही चाहिए। तो चलिए इस डेक के साथ सीधे चलते हैं बैटल में एंड देखते हैं ये जो डेक है ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है हमारा बैटल, देखते हैं जो हमारा डबल डेक है वो कैसा कमाल दिखाता है इस बैटल में। तो यहाँ पर अपने पास काफी अच्छे अच्छे कार्ड के वैसे ऑप्शन है स्टार्टिंग में, वैसे मैं जाइंट यहाँ पर यूज कर सकता हूँ बट देखते हैं जो हमारा अपोनेंट है वो स्टार्टिंग में कौन सा कार्ड डालता है। तो यहाँ पर अभी तक इसने कोई भी कार्ड नहीं डाला है तो चलिए अपने ही यूज कर देते हैं यहाँ पर जाइंट। तो यहाँ पर अपने जाइंट के पीछे ईविस का यूज करेंगे जो कि काफी अच्छा खासा सपोर्ट देगा इसे, बट अभी तक किसने ओके अभी डाल दिया ना बंदे ने कार्ड, डाल देते हैं यहाँ पर ईविस। तो यहाँ पर एक काम करेंगे फायरबॉल डाल सकते हैं यहाँ पर अभी, पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैप रेडी है अपने पास, डाल देते हैं जैप एंड जैप सही टाइम पे डाला, क्या बात है भाई, बच गया यहाँ पर। अदरवाइज जो स्पार्क की पूरी तरह से वॉट लगा देता एंड इसका राइट वाला टावर गया एक नंबर। तो यहाँ पर इस डेक में अपने पास मेगा मिनियन है जिसका मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एडवांटेज ले सकता हूँ, लाइक मैं मेगा मिनियन की मदद से यहाँ पर जो स्पार्की से काफी इजीली काउंटर कर सकता हूँ। प्लस अपने पास यहाँ पर ये भी तो है, क्या बोलते हैं, ईविस भी अपने पास है यहाँ पर, रेज का बंदे ने यूज कर दिया है। ओ भाई यहाँ पर हल्का सा लफड़ा ये हो चुका है कि जो दोनों कार्ड ये आगे की तरफ जा चुके हैं एंड बर राइट वाला टावर पे कते जहर वाला डैमेज आ चुका है यहाँ पर, बट चलो कोई नहीं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो अगेन अपने सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते थे बट अपने ईविस मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका है यार यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर एलिक्सर आने का। वैसे भी डबल एलिक्सर यहाँ पर स्टार्ट होने ही वाला है, अराउंड 2-3 सेकेंड बाकी है एंड यहाँ पर ये डबल एलिक्सर हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पर अपने सारे कार्ड एकदम रेडी कर लेते हैं, फायरबॉल भी डाली देते हैं यहाँ पर एंड क्या बात है, फायरबॉल का ठीक ठाक एडवांटेज मिला है, ज्यादा नहीं मिला है बट अच्छा मिला एडवांटेज। एक काम करते हैं अगेन जॉइंट डालते हैं, तो यहां पर इसने डार्क प्रिंस का यूज किया, अपने भी डार्क प्रिंस यहां पर डाल देते हैं। वैसे अपने माइनर भी यहां पर डाल सकती है एंड इसका जो लेफ्ट वाला टावर है ये भी गया, क्या बात है। तो यहां पर जो हमारा डबल डेक है भाई इसने तो कमाल ही कर दिया यार, काफी खतरनाक डेक था हमारा ये वाला, काफी इजिली अपने ये जो बैटल है इसे वॉन करने वाले बस एंड ये एंड हो चुका है हमारा बैटल एंड अपने काफी इजिली इस डबल डेक के साथ वॉन कर चुके हैं ये बैटल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी डेक की तरफ। तो ये होने वाला है आज के वीडियो का तीसरा एंड आखिरी डेक, ये बेसिकली डबल जाइंट डेक होने वाला है
एंड इस डेक में वो सारे कार्ड हैं जो कार्ड आपको एक अच्छे डेक्स में मिलने चाहिए। जैसे कि इस डेक में हमारे पास एक विंड कंडीशन कार्ड है, इस डेक में हमारे पास एक टैंक किलर है, एक स्वाम्स है, प्लस इस डेक में हमारे पास एक किंग टावर एक्टिवेशन कार्ड भी है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये जो डेक है ये काफ़ी कमाल का डेक है। प्लस इस डेक में हमारे पास जायंट स्केलेटन भी है जो कि डिफेंस एंड ऑफेंस इन दोनों में काफ़ी कमाल का कार्ड है। तो चलिए इस डेक के साथ कुछ बैटल्स प्ले कर लेते हैं रैंडम टूर्नामेंट में। तो यहाँ पर अपने आ चुके हैं बैटल में, देखते हैं जो हमारा डबल जायंट वाला डेक है ये कैसा कमाल दिखाता है ये वाले बैटल में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर वेट करते हैं हमारे अपोनेंट का। इसने यूज़ कर दिया है यहाँ पर स्केलेटन्स, क्या बात है। एंड यहाँ पर आइस विजार्ड, तो शायद ये कोई साइकिल डेक यूज़ कर रहा है लाइक एक्सबो या हॉक साइकिल डेक, बट अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी हर चीज़ ठीक ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने काफ़ी इजीली यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। रॉकेट बंदे ने यूज़ कर दिया है, अब शायद मैं कंफर्म ये बोल सकता हूँ कि बंदा आइस वाला क्या बोलते हैं एक्सबोट यूज़ कर रहा है। तो रॉयल जॉइंटों की ठीक ही चल रहा है बैटल अभी भी। यहाँ पर फिशरमैन यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ अभी, एंड आइस परेड, तो यहाँ पर अच्छा खासा अपने को डैमेज मिलेगा इसके लेफ्ट वाले टावर पे। एंड लेफ्ट वाले टावर पे तो कमाल का डैमेज आ रहा है यार अभी। एंड यहाँ पर एक और हिट मिल जाए रॉयल जेंट कैंड अपने को मिल चुका है एक और अच्छा खासा हिट, तो शायद अभी एक्सबो डाल सकता है, अगर एक्सबो प्ले कर रहा है तभी डालेगा ना यार। तो यहाँ पर एक काम करेंगे अपने एक्सबो, ये कन्फर्म हो गया यहाँ पर, अभी ये डालते हैं यहाँ पर ये, एंड हंटर डालते हैं पीछे की तरफ। ओके यहाँ पर इसको लॉग का काफ़ी अच्छा खासा डैमेज मतलब मिल ही गया यार, हंटर का एक हिट हमें मिल चुका है, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। बस दो फायरबॉल और एंड इसका जो लेफ्ट वाला टावर है ये पूरी तरह से चला जाएगा। एक काम करते हैं चिप डैमेज लेते हैं आइस स्प्रेड का, आई थिंक चिप डैमेज ही रोक लेगा स्केल्टन्स की मदद से, एंड बंदे ने नहीं रोका, क्या बात है यार। तो यहाँ पर इसने इस तरफ डाला है, क्या बात है, ठीक ही है। यहाँ पर यूज़ कर दिया मैंने यहाँ पर बैरल, सही टाइम पे बैरल डाला मैंने यहाँ पर, एंड बट थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया मेरे से। मिस्टेक ये हुआ कि जो आइस पेरेट है वो मैंने गलत टाइम पर डाला था। तो इसका लेफ्ट वाला टावर तो जाने वाला है, बस डिफेंस करके अपने यहाँ पर काफ़ी ईजिली वॉन कर लेंगे ये पूरा बैटल। तो यहाँ पर सेंटर कट ऑफ डाल लेते हैं फिशरमैन, एंड ये बैटल अपने जीतने वाले लगता है, बंदे ने हार पहले ही मान लिया है। वेल प्लेड जीजी, एंड ये जो बैटल अपने काफ़ी इजीली बस वॉन करने वाले वो भी 3 क्राउन के साथ। तो जैसा कि आपने देखा ये जो हमारा डेक है डबल जॉइंट डेक काफ़ी कमाल का डेक है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने डायरेक्टली मेन मेन्यू में। तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।